हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रैबिट के सदन डीथ के कुछ रीजंस के बारे में। दोस्तों आपने बहुत सी बार देखा होगा कि आपके रैबिट के बनीज के आप बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, उसके बाद भी आपके रैबिट के बच्चे जो हैं अचानक से मर जाते हैं या फिर मरने लग जाते हैं। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, उन्हीं सारे रीजंस के बारे में आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो आज का जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और इसे बिना स्किप किए हुए पूरा देखने की कोशिश करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर ऑन कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही रैबिट से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मैं अपने चैनल पर लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों एक एक करके जानते हैं वो सारे रीजंस के बारे में। रीजन नंबर वन, दोस्तों रैबिट बनीज में एक जो है प्रॉब्लम है वो कॉमन होती है हार्ट अटैक की। बहुत सी बार आपने देखा होगा कि आपके रैबिट बनीज जो है अच्छी खासी हेल्थ होने के बाद भी, अच्छे होने के बाद भी एकदम से वो अकड़ के या छटपटा के मरने लग जाते हैं, यानी कि आगे के पैर आगे और पीछे के पैर पीछे करके छटपटा के जो उनमें मरने का जो एक रीज़न होता है वो होता है हार्ट अटैक का। ऐसा बहुत रैबिट के बच्चों में कॉमन रीज़न आजकल देखने को बहुत सारे लोगों को मिल रहा है। ये होता है अगर उनको प्रॉपर फीड ना मिल रही हो, या उनका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो रहा हो, या वो गलत फीड खा लेते हैं, या फिर ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ पे कि रैबिट को नहीं रखना चाहिए, इस वजह से आपके रैबिट बनीज में हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। तो इन सारी चीज़ों की आप बहुत अच्छे से केयर करें, साथ ही अपने रैबिट के बच्चों की बराबर केयर करें। रीजन नंबर टू, कोल्ड एंड हाई टेम्परेचर। दोस्तों बहुत सी बार क्या होता है कि हम रैबिट के बच्चों को, यानी न्यूबॉर्न बनीज होते हैं या फिर 20-25 दिन से कम के एज के जो बनीज होते हैं, उनको ऐसी जगह पर रख देते हैं जहाँ पर ज़्यादा या तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होता है या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि रैबिट को कभी भी 28 डिग्री या 30 डिग्री टेम्परेचर से ऊपर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे टेम्परेचर में ये नहीं रह पाते हैं। लेकिन वहीं बात करें हम रैबिट बनीज की, तो वो बहुत ज़्यादा ठंडे टेम्परेचर में भी नहीं रह पाते हैं। एडल्ट रैबिट ठंडे टेम्परेचर में सर्वाइव कर जाता है, लेकिन बनीज नहीं रह पाते हैं। तो ऐसे में जहाँ पर आप रैबिट बनीज को रख रहे हैं उस चीज़ का पूरा ध्यान रखिए कि वहाँ का टेम्परेचर नॉर्मल हो, रूम टेम्परेचर हो, और कोशिश करें कि 15 से 20 डिग्री 25 डिग्री का टेम्परेचर के बीच हो, तो आप वहीं पे अपने रैबिट के बच्चों को रखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा लो या हाई टेम्परेचर होने की वजह से भी आपके रैबिट के बच्चे जो है मर सकते हैं। रीजन नंबर थर्ड, जीआई स्टेटस। दोस्तों आपने बहुत सी बार देखा होगा कि आपके रैबिट के बच्चे जो हैं जीआई स्टेटस की वजह से भी मर जाते हैं। काफ़ी सारे लोगों को जीआई स्टेटस के बारे में नहीं पता होगा, तो मैंने उसके लिए एक सेपरेट वीडियो जो है बनाया हुआ है, तो आप वो मेरे आई बटन पे क्लिक करके मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके वो वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों जीआई स्टेटस में होता है कि बहुत सी बार आपके रैबिट को जो है गलत फीड खाने की वजह से या ज़्यादा फीड खाने की वजह से गैस बन जाती है, और गैस के बाद उसके आंतों में इन्फेक्शन हो जाता है, और इस वजह से आपके रैबिट जो है रैबिट या रैबिट के बच्चे जो है जीआई स्टेटस की प्रॉब्लम की वजह से मर जाते हैं। अगर आपके रैबिट के साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप इन चीज़ों का प्रॉपर ध्यान रखें और उसकी केयर करें। रीजन नंबर फोर, डिहाइड्रेशन। दोस्तों बहुत सी बार आपने देखा होगा कि आपके रैबिट बनीज जो है बराबर खाना खाने लग जाते हैं, जब से आप रैबिट बड़े एडल्ट रैबिट को या उसके पेरेंट्स को खाना देते हैं तो उसी को छोटे बच्चे भी खाने लग जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब भी हम सॉलिड फीड खाते हैं तो उसी के कंपैरिजन में हमको पानी भी पीना होता है। अगर हम बराबर पानी नहीं पीते तो हमारी बॉडी में जो है डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होने लग जाती है। अगर ऐसा आपके रैबिट बनीज के साथ होता है तो आपके रैबिट बनीज जो है बहुत सी बार डिहाइड्रेशन की वजह से भी मर जाते हैं, और काफ़ी सारे लोगों को इस बारे में नहीं पता होगा। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को इंश्योर करें कि कहीं आपके रैबिट के बनीज जो है डिहाइड्रेशन की वजह से नहीं मर रहे हैं, इसलिए उनको प्रॉपर टाइम टू टाइम आप पानी दें, साफ़ सुथरा पानी दें, और हमेशा रैबिट और रैबिट के बच्चों के पास पानी अवेलेबल रखें। रीजन नंबर फाइव, इनसफिशिएंट मिल्क प्रोडक्शन। दोस्तों बहुत सी बार आपने देखा होगा कि रैबिट जो फीमेल रैबिट होती है वो कुछ ज़्यादा वीक होती है, लेकिन उसकी लीटर साइज अच्छी होती है तो एक एवरेज लीटर साइज से ज़्यादा बच्चे दे देती है, यानी कि 5-6 जो उसकी नॉर्मल 5-6 की एवरेज लीटर साइज होती है उससे भी ज़्यादा वो बच्चे देती है, कभी 8-10 या 12 बच्चे दे देती है। ऐसे में वो प्रॉपर मिल्क प्रोडक्शन अपनी बॉडी में ना कर पाने की वजह से सारे बच्चों को बराबर से फीड नहीं करवा पाती है, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 12-15 दिन तक बच्चे पूरी तरह से माँ के दूध पर डिपेंड करते हैं। अगर ऐसे में कुछ बच्चों को माँ का दूध नहीं मिलता है तो वो बच्चे भी इनसफिशिएंट मिल्क प्रोडक्शन की वजह से या पूरी तरह से फीड नहीं मिल पाने की वजह से धीरे धीरे एक एक करके मरने लग जाते हैं। तो ऐसा कई सारे दोस्तों के पास होता है। तो दोस्तों इस चीज़ का आप पूरा ध्यान रखें, अगर आपकी फीमेल के साथ ऐसा है तो उसको बराबर मात्रा में अच्छा सा फीड दें, पानी बराबर दें, और साथ ही उसको कैल्शियम दें जिससे कि उसकी बॉडी में बराबर मिल्क का प्रोडक्शन हो। रीजन नंबर सिक्स, पैरासाइट्स। दोस्तों बहुत सी बार आपने देखा होगा कि हमारे रैबिट के बॉडी में जो है उसके बालों के अंदर बहुत सारे पैरासाइट्स आ जाते हैं, ये परजीवी आ जाते हैं, जैसे कि आपने जुएं होती है, प्लेसेस होते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है, और ये क्या करते हैं कि रैबिट का जो है ब्लड यानी खून को चूस के जिंदा रहते हैं, और इनकी वजह से भी बहुत से बार आपके रैबिट के बच्चे जो है कमज़ोर होकर मरने लग जाते हैं। तो अगर आपके रैबिट के साथ भी ऐसा है तो प्रॉपर साफ़ सफाई का ध्यान रखें ताकि आपके वहाँ पर जहाँ रैबिट को आपने रखा हो किसी तरह के कोई पैरासाइट्स या किसी तरह के कोई परजीवी जिंदा ना हो। अगर ऐसा है तो आप वहाँ पे प्रॉपर
जो है लिक्विड आता है उसका छिड़काव करें ताकि सारे पैरासाइट्स मर जाएं। उसके बाद में आप प्रॉपर साफ़ सफाई करें और फिर अपने रेबिट और रेबिट के बच्चों को वहाँ पर रखें। रीजन नंबर 7, हजार्डस इंगेस्टन। दोस्तों ये जो प्रॉब्लम होती है ये होती है एक पॉइजनिंग प्रॉब्लम। बहुत सी बार क्या होता है कि आपके रेबिट के छोटे बच्चे ऐसा खाना खा लेते हैं जो कि उनकी बॉडी में पॉइजन क्रिएट कर जाते हैं, यानी कि पॉइजन बना देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो खाना बड़ा रेबिट पूरी तरह से डाइजेस्ट कर पाता है उसी खाने को आपके छोटे बच्चे जो है डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। और जब डाइजेशन उनकी बॉडी में बराबर नहीं होता है, प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पाता है, उस कंडीशन पर क्या होता है कि आपके रेबिट के बच्चे जो है मर जाते हैं। तो ऐसा डाइजेशन बराबर नहीं होने की वजह से, उनकी बॉडी में पॉइजन क्रिएट होने की वजह से होता है। तो इस चीज़ का बराबर ध्यान रखें। जब भी आप बड़े रेबिट को यानी कि उसके पेरेंट्स को, बच्चों के पेरेंट्स को आप फीड दें, उस टाइम पे बच्चों को कहीं ना कहीं ऐसी जगह आप फिक्स कर दें या ऐसी जगह रखें जहाँ से वो निकल के बड़े रेबिट का फीड ना खा सकें। और हमेशा आप बड़े रेबिट के पास ऐसा फीड ना रखें जो कि बच्चों के लिए डेंजरस हो सकता है। रीजन नंबर 8, ब्लंट फोर्स इंजरी। दोस्तों बहुत सी बार आपने क्या देखा होगा कि जो नई नई फीमेल्स बच्चे देती हैं उनको नहीं पता होता है कि बच्चों की किस तरह से केयर करनी होती है। जो पहली बार फीमेल बच्चे देती है उसको पूरी तरह से नई नॉलेज होती है इस बारे में, या एक्सपीरियंस नहीं होता है कि बच्चों की किस तरह से केयर करनी होती है। तो इस वजह से बहुत सी बार क्या होता है कि फीमेल रेबिट जो होती है अपने केज में इधर उधर बहुत ज़्यादा दौड़ती है, कूदती है, इधर उधर फिरती है। और इस वजह से बहुत सी बार क्या होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उसके पैरों के नीचे दबके या कुचल के मर जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम को हम जो नॉर्मली लैंग्वेज यूज करते हैं वो है ब्लंट फोर्स इंजरी। तो इस वजह से भी यानी कि खरगोश के यानी मादा खरगोश के पैर के नीचे दबके बच्चों का मर जाना, ऐसा ही दो तीन कंडीशन में होता है। पहली कंडीशन होती है जब आपकी फीमेल पहली बार बच्चे देती है या उसको एक्सपीरियंस नहीं होता है। दूसरी कंडीशन में क्या होती है कि अगर आप कॉलोनी सिस्टम में यानी कि एक साथ बहुत सारे रेबिट्स को अगर ज़मीन पर रखे हुए होते हैं और वहाँ पर कोई फीमेल बच्चे देती है तो दूसरे जो रेबिट होते हैं वो एक दूसरे के पीछे दौड़ने की वजह से या दूसरे रेबिट जो है इधर उधर दौड़ने की वजह से बहुत सी बार उन रेबिट के बच्चों को दबा के मार देते हैं। तो ऐसा भी बहुत सी बार होता है और इस वजह से भी आपके रेबिट के बच्चों में सडन डेथ आपको देखने को मिलती है। रीजन नंबर 9, अनसैनिटरी कंडीशंस। दोस्तों बहुत सी बार क्या होता है कि हम जहाँ भी रेबिट को रखते हैं या चाहे कॉलोनी सिस्टम हो या चाहे केज सिस्टम हो, अगर हम वहाँ प्रॉपर सफाई नहीं करते हैं, प्रॉपर साफ सफाई नहीं करते तो वहाँ पे क्या होता है कि रेबिट की पोटी इकट्ठी हो जाती है, रेबिट का यूरिन इकट्ठा हो जाता है और उस वजह से क्या होता है कि वहाँ पे बहुत सारे पैरासाइट्स पैदा हो जाते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं और उनकी वजह से आपके रेबिट्स धीरे धीरे बीमार होने लग जाते हैं। और आपके बड़े एडल्ट रेबिट के कंपेरिजन में छोटे बच्चे जल्दी बीमार होते हैं और छोटे बच्चे जो हैं वो अनसैनिटरी कंडीशंस की वजह से बहुत सी बार मर जाते हैं। तो अगर आप भी ऐसी गलती कर रहे हैं, अगर आपने उसको बच्चों को रेबिट को जो है अगर कॉलोनी सिस्टम में रखा है तो आप साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखें। साथ ही अगर आप केज सिस्टम में अगर रेबिट को रखते हैं तो केज की प्रॉपर साफ़ सफाई करें, केज को सैनिटाइज करें और उसके नीचे की जगह का प्रॉपर साफ़ सफाई करके उसको भी सैनिटाइज करें। इससे क्या होगा कि वहाँ पर बैक्टीरिया पैदा नहीं होगा और ऐसी कोई कंडीशन पैदा नहीं होगी कि आपके रेबिट के बच्चे जो है ऐसी किसी सिचुएशन में आके मर जाएं। दोस्तों लास्ट और 10th जो रीजन है वो है लैक ऑफ नॉलेज। बहुत सी बार आपने क्या देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं जो क्यूरियोसिटी की वजह से यानी कि उनको रेबिट अच्छा लगता है और ऑब्वियसली बात है कि रेबिट जो है बहुत प्यारा जानवर है, बहुत क्यूट लगता है हम लोगों को, बहुत अच्छा लगता है, इस वजह से हम रेबिट जो है घर में ले आते हैं। और बहुत सी बार रेबिट के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है तो लोग एक पैर में रेबिट ले लेते हैं, मेल और फीमेल, और वो बच्चे देते हैं। लेकिन हमें नहीं पता होता है कि रेबिट को किन कंडीशंस में कैसे रखना होता है, उसकी कैसे केयर करनी होती है, क्या रेबिट को खिलाना होता है, क्या नहीं खिलाना होता है। और ऐसी कंडीशंस की वजह से बहुत सी बार हमारे रेबिट भी मर जाता है और बहुत सी बार रेबिट के बच्चे जो है काफ़ी सारे लोगों के पास मरते हैं। तो जिन लोगों को रेबिट के बारे में प्रॉपर जानकारी नहीं है तो वो पहले सबसे पहले क्या करें कि आप रेबिट के बारे में प्रॉपर नॉलेज लें कि रेबिट को किस तरह से और कैसे एनवायरनमेंट में रखा जाता है, किस तरह से उसकी केयर की जाती है, क्या खिलाया जाता है, क्या नहीं खिलाया जाता है। ये सारी नॉलेज लेने के बाद ही आप रेबिट रखें। कोशिश करें अगर आपने एज अ पेयर रखा है तो आप सिंगल रेबिट रखने की कोशिश करें, पेयर में ना रखें, क्योंकि हो सकता है कि आपको बच्चे की केयर करने का टाइम ना मिले, आप बच्चों की प्रॉपर केयर ना कर पाएं। तो इस तरह की कई सारी प्रॉब्लम्स आपके साथ हो सकती है। तो जिन लोगों को अगर रेबिट से रिलेटेड अगर पूरी नॉलेज नहीं है तो वो आप लोग रेफरेंस के लिए मेरे वीडियोस देख सकते हैं, मैंने वहाँ पे बहुत सारे वीडियोस अपने बनाए हुए हैं जो आपको रेबिट से रिलेटेड पूरी तरह से नॉलेज देंगे कि आपको किस तरह से अपने रेबिट को रखना है। तो आई होप कि दोस्तों इस वीडियो में आपको क्लियर हुआ होगा रेबिट के सडन डेथ के बारे में कि क्यों आपके रेबिट के छोटे बच्चे अचानक से मर जाते हैं और क्या उसके पीछे रीजंस होते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्होंने अपने घर में एज अ पेट रेबिट रखा हुआ है, क्योंकि ये उनकी भी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, क्योंकि ऐसे ही रेबिट से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मैं अपने चैनल पर लेकर आता रहता हूँ। दोस्तों आप लोग सपोर्ट करते हैं तो उससे हमें इंकरेज मिलता है, हम कोशिश करते हैं कि और भी ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए बनाते रहें। तो ऐसे अपना प्यार और अपना सपोर्ट बनाए रखिए।
जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, कीप शेयरिंग, कीप स्माइलिंग।